कल नयाब सिंह सैनी जी ने जो कहा कि भाई आगे आने वाले समय में वो 23 की 23 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे और 14 फसलें तो ऑलरेडी एमएसपी पर खरीद रहे हैं, ये बातें सरासर झूठ है, ये एक घोषणा मात्र है। अगर हम बात करें जिन 14 फसलों की बात मुख्यमंत्री जी ने करी, उसमें उन्होंने कहा सरसों भी खरीदते हैं, उन्होंने कहा मूंग भी खरीदते हैं, लेकिन अगर हम सरसों की बात करें, पूरे हरियाणा में जो पिछला सीजन गया 14 लाख टन सरसों की पैदावार हुई, सरसों का एमएसपी 5,650 रुपया क्विंटल है, लेकिन आप किसी भी मंडी में जाके पूछ लीजिए, किसी भी किसान से जाके पूछ लीजिए, किसानों की जो सरसों बिकी वो 4,000 से लेकर 4,500 रुपया प्रति क्विंटल बिकी, यानी एमएसपी से 1,000 से लेकर 1,500 रुपया प्रति क्विंटल कम बिकी है। ना तो किसी किसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत मदद करी गई सरकार द्वारा और ना ही किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। इसी तरीके से अगर आप मूंग की बात करेंगे तो मूंग का जो एमएसपी है वो 8,682 रुपया प्रति क्विंटल है, लेकिन हरियाणा में इस समय मूंग बिक रही है वो 7,000 से लेकर 7,500 रुपया प्रति क्विंटल बिक रही है, यानी एमएसपी से लगभग 1,500 रुपया प्रति क्विंटल कम बिक रही है। अगर आप बाजरे की बात करेंगे, बाजरे पे इन्होंने कहा कि हम खरीद नहीं करेंगे, लेकिन भावांतर भरपाई योजना के तहत जो एमएसपी में और जो किसान की फसल जितने में बिकी उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कैपिंग लगा दी कि 8 क्विंटल तक ही करेंगे। तो जो इन्होंने कहा कि 14 फसलें हम ऑलरेडी एमएसपी पर खरीद रहे हैं, ये एक झूठ है, और जो इन्होंने कहा कि 23 फसलें आने वाले समय पर खरीदेंगे, ये मात्र एक राजनीतिक घोषणा है, ये मात्र एक जुमला मात्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बड़े पैमाने पे फसलों की खरीद का मामला है वो केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि चाहे नेफेड जैसी संस्था हो, एनसीसीएफ हो या एफसीआई हो, ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है। अगर आप एमएसपी की भी बात करेंगे, एमएसपी घोषणा करी जाती है सीएससीपी द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आता है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी उन्होंने, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया था कि यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस देगी तो केंद्र सरकार की एजेंसियां उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज नहीं खरीदेंगी, उन्होंने बोनस पे रोक लगा दी थी। तो इस तरीके से जो प्रोक्यूरमेंट का मामला है, फसलों की खरीद का मामला है, इसमें जो बड़ा से होता है, इसमें जो एक बड़ा फैसला जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है ज्यादा। तो इसीलिए नयाब सिंह सैनी जी ये समझ चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर उनसे काफी ज्यादा नाराज है, लोकसभा इलेक्शन में भी उसका इम्पैक्ट दिखा, तो अब उनको ये लगता है किसी भी तरीके से किसानों और मजदूरों को बहकाया जाए, उनको अपनी साइड लाया जाए, लेकिन किसान मजदूर उनके बहकावे में नहीं आएंगे। किसान और मजदूरों की जो मांग है वो एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून है, और वो गारंटी कानून देश के संसद में ही बन सकता है, ऐसे खाली घोषणा करने से उसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं।